राहुल खड़गे का महाराष्ट्र दौरा, नांदेड़ में दिवंगत कांग्रेस सांसद के परिवार से मिले, सांगली में पूर्व मंत्री पतंग राव के स्टैच्यू का अनावरण किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली में पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत पतंग राव कदम की प्रतिमा का अनावरण किया। कदम का 2018 में निधन हो गया था। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोरात भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने नांदेड़ में दिवंगत सांसद वसंतराव चव्हाण के परिवार से मुलाकात की। 69 साल के चव्हाण का लंबी बीमारी से जूझने के बाद 26 अगस्त को हैदराबाद में निधन हो गया। चव्हाण ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रताप चिखलीकर को हराकर नांदेड़ सीट जीती थी। प्रताप 2019 में चुनाव जीते थे। चव्हाण ने 1990 में ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। वे 2002 में जिला परिषद सदस्य भी बने। महाराष्ट्र में साल के अंत में चुनाव होने हैं। भाजपा शिवसेना शिंदे गुट की सरकार का कार्यकाल नवम्बर 2024 को खत्म हो रहा है। कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 9 सीटें मिली। भाजपा ने 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 104 सीटें जीती थी। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की वाली एनसीपी शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में भाजपा सिर्फ 9 सीटें जीत सकी। एनसीपी अजित गुट को 1 सीट जीती। शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने 13, उद्धव गुट की शिवसेना ने 9 और शरद पवार के एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की।